बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाय व्यूअर्स, आज जो हमारा टॉपिक है बैडमिंटन में इलेट का इस्तेमाल। सेकेंड ईयर का क्लास है, क्लास 12th। ये हमारे सिलेबस में बैडमिंटन में जो इलेट दिया गया है वो बहुत ही मुख्तसर है। यानी अगर सर्विस के दौरान एक ही जुमला है, सिर्फ एक ही जुमला लिखा हुआ है कि अगर दौरान सर्विस शटल नेट या जाल को चूकर मुहालिफ के कोर्ट में गिरे तो अंपायर लेट करार देगा, बस सिर्फ यही है। तो मैंने यही ज़रूरी समझा कि मैं आपको लेट के बारे में मज़ीद मालूमात दे सकूं, यानी आप लेट के मुतालिक ज़्यादा पढ़ सकें, ज़्यादा सुन सकें, तो आपको बैडमिंटन के कवानीन पर उबूर हासिल होगा। अगर आपने मेरा चैनल, आप नए हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बर मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आज हमारा टॉपिक है बैडमिंटन में लेट का इस्तेमाल। तो अजीज तुलबा, जैसा कि आपको मालूम है, लेट का इस्तेमाल अंपायर किन सूरतों में देगा, तो मंदरजिल सूरतों में अंपायर लेट का इस्तेमाल देगा। नंबर एक, किसी नागहान या हादसा की सूरत में, मसलन नेट का गिर जाना या बिजली का बंद हो जाना। तो नंबर दो, सर्विस के अलावा दौरान के अगर शटल जाल की पट्टी के ऊपर रुक जाए तो या स्कोर या इसको पार करने के बाद इसमें अटक जाए तो अंपायर लेट करार देगा। नंबर तीन, सर्विस के दौरान अगर सर्विस करने वाला खिलाड़ी और सर्विस वसूल करने वाला खिलाड़ी बयक वक्त दोनों, यानी सर्विस वसूल करने वाला और सर्विस करने वाला बयक वक्त किसी बेजाबतगी का मुर्तकिब हो, दोनों मुर्तकिब हो, तो अंपायर लेट करार देगा। अगर सर्विस करने वाला खिलाड़ी सर्विस करने वाला खिलाड़ी वसूल करने वाले खिलाड़ी से पहले, यानी वसूल करने वाले खिलाड़ी से पेशतर सर्विस करे तो अंपायर लेट कॉल करेगा, यानी ये लेट करार दिया जाएगा। खेल के दौरान नंबर चार, अगर खेल के दौरान शटल टुकड़े टुकड़े रेजा रेजा हो जाए और उसका पींदा और उसके जो पीदर हैं ये अलाहिदा हो जाए तो अंपायर लेट करार देगा। नंबर पाँच, अगर लाइन जज किसी रुकावट के बायस खेल न देख सके, यानी किसी मजबूरी के तहत उसकी तवज्जो किसी दूसरी जगह पर हो और वो खेल न देख सके और अंपायर भी फैसला करने से कासर हो, यानी अंपायर भी इतनी दूर से उसके फैसला करने से वो फैसला न करे तो ऐसी सूरत में लेट करार दिया जाता है। यानी अंपायर लेट कॉल करेगा और ये फैसला देगा कि ये लेट है, यानी लाइन में लाइन जजेस और अंपायर दोनों ने वो न देखा हो तो ये भी लेट करार देगा। और आखिरी नंबर पर, यानी जब लेट दिया जाता है तो पिछली सर्विस के बाद खेल को नज़रअंदाज किया जाता है, यानी सर्विस के बाद जो जैसा भी खेल हुआ हो, पॉइंट्स जिसकी भी हो गई हो या जिसने भी अच्छा खेल किया हो वो सब नज़रअंदाज किया जाता है। और जिस खिलाड़ी ने सर्विस की थी, जिस खिलाड़ी के पास सर्विस थी, जिस खिलाड़ी ने सर्विस की थी दोबारा उसको सर्विस दिया जाता है, यानी दोबारा री सर्विस किया जाता है, ये खेल नज़रअंदाज किया जाता है और दोबारा सर्विस किया जाता है। तो अजीज़ तुलबा, आज हमारा टॉपिक था बैडमिंटन में लेट का इस्तेमाल, जिसके मुताबिक मैंने आपको कुछ ज़रूरी बातें सुना दी।